दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारी बाइक में दो तरह की ब्रेक्स आती है, एक तो डिस्क ब्रेक है और एक तो ड्रम ब्रेक है। ड्रम ब्रेक में जो ब्रेक शू है वो आसानी से चेंज हो जाते हैं। हमारे पास है आज रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड डिस्क ब्रेक आगे का। अगर आपके पास कोई भी डिस्क ब्रेक वाली बाइक है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रंट डिस्क ब्रेक का, जो ब्रेक शू है उसको कैसे चेंज किया जाए। तो गाइज, मेरा नाम है श्रीनाथ और आप देख रहे हो जी रॉयल वर्क्स। दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये रही KTM, अभी सर्विस होके यहीं पे रखी है। सो गाइज, आज का वीडियो है हमारा थंडरबर्ड, रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड जो आगे की डिस्क ब्रेक है इसके ऊपर। तो गाइज, ये फ्रंट डिस्क ब्रेक का ब्रेक शू जो है वो खत्म हो चुका है, उसको हम चेंज करने वाले हैं इस वीडियो में। डिस्क ब्रेक का ब्रेक शू अगर आपकी बुलेट का या तो फिर कोई भी बाइक का खत्म हुआ है तो यहीं से आप देख सकते हो, पूरा आप देख सकते हो खराब हो चुका है। तो गाइज, अभी हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें तो पहले ये दोनों बोल्ट बार नंबर का ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन कर लेते हैं, देन बाद में आपको दिखाते हैं। सो गाइज, पहले तो ये दोनों बोल्ट को ओपन कर लेना है, बाद में ये पार्ट जो है वो ऐसे ही निकल जाएगा। तो इस टाइप का कुछ ब्रेक शू है इसमें। सो गाइज, ये रही डिस्क ब्रेक असेंबली और ये रहा ब्रेक शू डिस्क ब्रेक का आगे का। सो फाइनली यहीं पे एक क्वार्टर पिन है, इसको निकाल लेना है। ऐसे ही प्लेयर से निकल जाएगी और बाद में जो ये इसको ब्रेक शू को निकाल देते हैं। सो गाइज, ये जो पिन है इसको ऐसे ही निकाल देना है, ऐसे ही निकाल देना है इसको। सो फाइनली ये जो हमारा ब्रेक शू है वो ये रहा, ये पूरा ख़त्म हो चुका है यहीं से। तो गाइज, आप देख सकते हो यहीं से पूरा ख़त्म हो चुका है ब्रेक शू। अभी थोड़ी देर में ही ये लोहा आने वाला था, इसको करते हैं हम चेंज। ये रहा हमारे पास नए ब्रेक शू दोनों। तो गाइज, इसको हम करते हैं फाइनली इसमें इंस्टॉल। तो इसके लिए पहले तो हमें ये इसको निकालना पड़ेगा असेंबली में से, ये ऐसे ही निकल जाएगा और ये साफ सफाई कर लेते हैं। हमारे पास है ये वाला स्प्रे, इससे हम इसको साफ कर लेते हैं पहले। तो बाद में जो दोनों बूसेंगे इसको नीचे दबाना है प्लेयर की मदद से, बाद में करते हैं इसमें इंस्टॉल ब्रेक शू। Till my shadow turns to sun rays and I... तो ये जो प्लेयर की हेल्प से हमें ये जो बूस्ट है इसको आसानी ऐसे ही पुश करना है, ऐसे ही। तो ऐसे ही दोनों जो बूसिंग है इसको बिठा देना है। तो फाइनली हमारे जो बूस्ट है वो बैठ गए यहीं पे। तो फाइनली ये जो दोनों बूस्ट है वो हमारे सही से हो गए, यहीं पे आराम से जो ब्रेक शू है वो लग जाएंगे नए। बाद में हमें ये वाला जो पार्ट है यहीं पे इसको इंस्टॉल कर देना है। मैं जो पिन है इसको ऐसे ही लगा देना है, ऐसे ही लग जाएगा ये। बाद में जो क्वार्टर पिन है उसको यहीं पे ऐसे ही बिठा देना है, ऐसे ही आसानी से। फाइनली हमारा ब्रेक शू जो है वो फिटिंग हो चुका है, इसको लगाते हैं अभी ब्रेक डिस्क में और करते हैं इसको फिटिंग। तो गाइज, फाइनली ब्रेक शू है वो इंस्टॉल हो चुके हैं यहीं पे रहे पुराने। और जब भी हम ब्रेक शू इंस्टॉल करते हैं तब ये जो ब्रेक का ऑयल है इसको ओपन करके रखना है। तो गाइज, ब्रेक को हम लगाते हैं अभी और देखते हैं हमारी ब्रेक जो है वो काम कर रही है या नहीं। हमने ब्रेक शू को कर दिया है इंस्टॉल। अगर आपके पास भी स्पोर्ट बाइक है या तो फिर रॉयल इनफील्ड है तो आप आसानी से इस टाइप से ब्रेक शू को चेंज कर सकते हो। और ब्रेक शू को टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत जरूरी है, अगले वीडियो में भी मैंने बताया था, वो वीडियो की लिंक भी यहीं पे लास्ट में डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। सो गाइज, हमारी चैनल पे ऐसे नए नए वीडियो बाइक के रिलेटेड आते ही रहते, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा गैरेज जो है वो सूरत में है, योगी चौक में। अगर आप यहीं के रहने वाले तो हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहीं पे नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, वहीं से आप कि आप फॉलो कर सकते हो। रॉयल इनफील्ड का सारा काम हम यहीं पे करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय।